अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट जो था डेजर्ट सफारी। तो हम बीच पे पहुंच चुके हैं और ये कैंप है राहल कैंप के नाम से। और जो लास्ट टाइम मैं गया था डेजर्ट सफारी, तो उस वक्त जो हम कैंप पे गए थे वो डिफरेंट था, लेकिन इस बार जो कैंप है वो डिफरेंट है। हेलो ब्रो, सो दिस इज सिटिंग एरिया। हेलो, थैंक यू। हाँ जी, तो क्या कहा चाचा ने? चाचा जी क्या कह रहे हैं? ओके, यहाँ पे अच्छा, चलें ठीक है। ओके ओके, अच्छा 20 रियाल, 20 रियाल ठीक है। अच्छा चले सही है, चले सीन देखते हैं। जी दोस्तों, तो ये है हमारा कैंप। लास्ट टाइम जो मैं गया था वो ज़्यादा अच्छा कैंप था, लेकिन लास्ट टाइम चार्जेस हमने 100 रियाल पे की थी, लेकिन इस टाइम हमने पे की है 50 रियाल। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है ये भी। और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है रूम बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। तो ये देखें रूम है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है अकोमोडेशन के लिए। हम तो ओवरनाइट स्टे नहीं करेंगे, हम जस्ट आए हैं, हम 10 बजे वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो ये अकोमोडेशन के लिए भी अच्छा सेटअप है। और सनसेट भी हो रहा है अभी, तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे कुछ कैंप्स रखी हुई हैं, और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह, तो वो भी है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कैंप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे मतलब ये मजलिस से अगर आप बैठना चाहें तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कतर में ये जो ना मजलिस यहाँ पे ऐसी होती है, नीचे सेटअप होता है बैठने का। और यहाँ पे जो है बॉनफायर का सिस्टम है,
अभी तक तो इन्होंने आग नहीं लगाई, बोन फायर नहीं किया, लेकिन जब करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बोन फायर का सिस्टम है और इस तरफ जो है कैमल राइडिंग है। काफ़ी दोस्त जो हैं कैमल पे राइड हो रहे हैं। 20 रियाल उसकी फीस है। मैंने लास्ट टाइम राइड किया था कैमल पे, लेकिन इस बार कन्फर्म नहीं कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं। और दिखाता हूँ, और यहाँ पे ये सनबाथ के लिए ये रखे हुए हैं लेटने के लिए, इफ एनीबडी वांट टू टेक सनबाथ। और यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। आई एम स्टिल थिंकिंग मैं जाऊँ या नहीं, बिकॉज उन्होंने कहा है कि पानी थोड़ा डीप है। लेकिन सीनरी बहुत अच्छी है। You don't want to go to water? Yes, I'm hydrophobic, although I drink water, but... Oh, you drink water? Swim is... Swim is not possible? It's not easy. Not easy, of course. Maybe one day, I'll be a swimmer in one day. Okay. Thank you. Guys, let's go. Come. Oh, Anji! Sir, it was minus 10 degrees here down inside. Oh. What was cold? Very hot. Okay. कुछ बोलेंगे? वीडियो बना रहे हैं, तस्वीर में वजह से तस्वीर देखने के। कैसा फील कर रहे हैं? भाई साहब, मजा आया? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं है अभी वो सब नहीं है, सही बात है। हाँ हाँ, वैसे यहाँ एंजॉय करें, यहाँ बैठे, लेकिन अच्छा रिजॉर्ट देखें इससे। सही बात है, बात है, यहाँ से दिल नहीं कर रहा उठने का। हाँ करके आए थे, हाँ पीछे बहुत मजा आया। सही बात है, बिल्कुल। लास्ट टाइम ये फन नहीं हुआ था। एग्जैक्टली, inshallah. Overall it's good. Okay, thank you. How's everything, Dr. Ochima? Good. You're not enjoying? You're just using your cell phone. You can use it in your room. I'm sitting now enjoying myself. Why be in the water to enjoy? No, not water. Just to chat with other friends, roaming around, play the games, having soft drink, having tea. We'll be here till 9 p.m. Yeah, okay. How you found this place? Yeah, good, really good actually. It is good. What, yeah. Coming on this trip is your good decision or bad decision? Come on, great decision. Great decision. Yeah, really good decision. Okay, thank you for your comments and feedback. Thank you. So, how are you? Fine, thank you.
how you found this place? It's very, very nice, very nice. Where is your friend Noman? Cool. He is working. He's working still. He have an exam maybe next week or something. Oh, okay. Are you enjoying? Good luck. Yeah, very, very nice. Okay, thank you. Thank you so much. जी दोस्तों, तो देखा आपने बीच काफ़ी अच्छा है, लेकिन कैंप इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम के, लेकिन फिर भी माहौल बहुत अच्छा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज। और आपको कैसा लगा बीच ज़रूर बताइएगा। तो हमारा इवेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब हम निकल रहे हैं हाउसिंग के लिए। तो आपको व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताएं कमेंट में।